हम सबको पता है कि हमारे जो मैनेजर है उनकी हर दिन अलग अलग डिमांड होती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए एक टाइम लिमिट होती है। तो एक्सेल में किसी काम को बहुत फास्ट करना है तो एक्सेल में पाइवट टेबल आपको ठीक से यूज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम पाइवट टेबल के ऐसे दो ट्रिक्स देखेंगे जो आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क में काम में आएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स का रजिस्टर है और यहाँ पर सेल्स है और सेल्स रिटर्न है और हमारा मैनेजर इसलिए परेशान है क्योंकि जो सेल्स का रिटर्न का रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा है। तो अभी हमें इसमें ये कैलकुलेट करना है कि ये जो सेल्स रिटर्न है वो सेल्स के कितने परसेंटेज है और अगर 10% से ज्यादा है तो जो हम कमीशन देते हैं उसमें सेल्स के 1% कम करना है और अगर 10% से कम है तो सेल्स पे एक्स्ट्रा 0.5% हमें इंसेंटिव देना है। तो यहाँ पर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा समय लगेगा। तो यहाँ पर हम इसको पाइवट टेबल में कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पर इंसर्ट और यहाँ पर पाइवट टेबल, यहाँ पर टेबल रेंज सिलेक्ट है, यहाँ पर न्यू वर्कशीट और ओके कर देता हूँ। अभी हमें स्टेट वाइज कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर जो स्टेट है इसको मैं रो में डालूंगा तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जाएगा, अगर नहीं जाता तो आप ड्रैग कर सकते हैं। उसके बाद टाइप, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ तो ये स्टेट के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट, उसका सेल्स और सेल्स रिटर्न, और यहाँ पर देखिए ये जो टोटल है इसको मैं वैल्यू में डाल देता हूँ। अभी हम यहाँ पर स्टेट वाइज कैलकुलेट करेंगे और ये जो रिपोर्ट है वो स्टेट मैनेजर को सेंड करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मली हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम इस तरह से करेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर B6 यानी सेल्स रिटर्न इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब B5 एंटर। तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा लेकिन ये माइनस में है, हमें प्लस में चाहिए। तो सिंपल है, इसके आगे इंटू -1 इसको टाइप करना है एंटर तो ये प्लस में हो जाएगा। अभी हमें पाइवट टेबल पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पर पाइवट टेबल एनालाइज और यहाँ पर फील्ड आइटम सेट। यहाँ पर देखिए दो है, कैलकुलेटेड फील्ड और कैलकुलेटेड आइटम। अभी हम कैलकुलेटेड आइटम किसको बोलेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा डेटा है, अगर इसमें कोई कैलकुलेशन करना है तो ये कैलकुलेटेड आइटम है और ये जो हेडिंग है इसमें कोई कैलकुलेट करना है तो ये कैलकुलेटेड फील्ड है। मतलब देखिए यहाँ पर आपको IGST CGST SGST इनका प्लस करना है तो ये कैलकुलेटेड फील्ड में होगा। तो अभी मैं सबसे पहले जो सेल्स रिटर्न का परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ पाइवट टेबल एनालाइज फील आइटम सेट और यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम और यहाँ पर हमें नेम देना है तो यहाँ पर मैं नेम देता हूँ सेल्स रिटर्न परसेंटेज। यहाँ पर फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं 0 को हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए फील्ड्स मतलब हमारे जो कॉलम के नेम है वो आपको यहाँ पर शो जाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर टाइप पे सेल्स और सेल्स रिटर्न मिल जाएगा, अगर कोई दूसरा है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स, यहाँ पर सेल्स रिटर्न, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इंसर्ट आइटम डिवाइड बाय यहाँ पर सेल्स, तो यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं इंटू -1। अभी जो यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो हम यहाँ पर फॉर्मेट में करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है और ओके। तो अभी यहाँ पर सेल्स रिटर्न का परसेंटेज आ चुका है, इसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और डेसिमल को हटा देता हूँ। उसके बाद ये जो परसेंटेज है इनको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको परसेंटेज स्टाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक एक सिलेक्ट करने की जगह पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर टाइप है, इसको मैं ड्रैग करके स्टेट के ऊपर डाल देता हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए ये जो सेल्स रिटर्न के परसेंटेज है वो अभी सबसे नीचे आ चुके हैं, इनको हमें पूरा सिलेक्ट करना है होम टैब और यहाँ पर परसेंटेज। अभी आपको एक बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पर जैसे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ पाइवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पर जो प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग ऑन अपडेट इसको आपको चेक करना है ओके। अभी ये जो स्टेट है इसको ड्रैग करके मैं टाइप के ऊपर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर सेल्स, सेल्स रिटर्न और सेल्स रिटर्न परसेंटेज। अभी हमें जिन स्टेट का सेल्स रिटर्न 10% से ज्यादा है उनको सेल्स के ऊपर 1% कमीशन को कट करना है। तो अभी हमें आइटम में कैलकुलेशन करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे पाइवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड आइटम सेट और कैलकुलेटेड आइटम, यहाँ पर इसको नेम देता हूँ रिटर्न एडजस्टेड कमीशन, यहाँ पर फॉर्मूला को हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर देखिए टाइप में सेल्स, सेल्स रिटर्न और यहाँ पर सेल्स रिटर्न परसेंटेज जिसको हमने कैलकुलेट किया है वो भी आ चुका है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूलास को लगाता हूँ इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन यहाँ पर सेल्स रिटर्न ग्रेटर देन 10% कॉमा अगर ये 10% से ज्यादा है तो हमें सेल्स इंटू 1% कॉमा अदरवाइज 0 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर एड कर देता हूँ ओके।
तो यहाँ पर जिनका सेल्स रिटर्न 10% से कम है वहां पर 0 आ चुका है, और जिनका 10% से ज्यादा है वहां पर सेल्स का 1% आ चुका है। मतलब कमीशन में से इतना कमीशन हम कट करेंगे। अभी हमें यह कैलकुलेट करना है कि जिनका सेल्स रिटर्न 10% से कम है उनको हमें 0.5% कमीशन देना है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड आइटम सेट्स, कैलकुलेटेड आइटम, यहाँ पर आपको नेम टाइप करना है इंसेंटिव बूस्ट, उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला। तो अभी यहाँ पर टाइप में 4 आइटम्स है, तो यहाँ पर इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर सेल्स रिटर्न लेस देन इज इक्वल टू 10%, मतलब 10% या फिर कम है तो कॉमा, यहाँ पर सेल्स इंटू 0.5% कॉमा अदरवाइज 0 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर ओके। तो अभी यहाँ पर जिनका सेल्स रिटर्न 10% से कम है उनको इंसेंटिव बूस्ट सेल्स पे 0.5% यहाँ पर मिल चुका है, और जहाँ पर 10% से ज्यादा है वहां पर 0 है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, और ये जो प्रैक्टिस फाइल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अभी ये ट्रिक्स आपको कैसे लगी वो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। अभी हम देखते हैं कैलकुलेटेड फील्ड। तो यहाँ पर सेल्स पर्सन, उनका 21-22 का सेल्स और 22-23 का सेल्स, तो इसको मैं पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ कंट्रोल ए, यहाँ पर इंसर्ट पिवट टेबल ओके। यहाँ पर सेल्स को मैं रो में डाल देता हूँ 21-22, इसको वैल्यू में और इसको भी वैल्यू में, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर होम, यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ और डेसिमल को हटा देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इन दो ईयर में कितना गैप है उनको यहाँ पर फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर जो फील्ड में है 22-23 इसमें से ये माइनस करना है 21-22, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है पिवट टेबल एनालाइज फील्ड आइटम सेट्स, और यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेटेड फील्ड शो हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेटेड आइटम नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर क्लिक नहीं किया है। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर नेम, तो ईयर ऑन ईयर वेरिएशन, यहाँ पर फॉर्मूला में मैं 0 को हटा देता हूँ, और यहाँ पर 22-23 इसको सिलेक्ट करना है, और इंसर्ट फील्ड, उसके बाद माइनस 21-22 इसको आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पर एड ओके। तो यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है। अभी मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब ये जो है वो इसके कितने परसेंटेज है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड आइटम सेट्स कैलकुलेटेड फील्ड, और यहाँ पर नेम में परफॉर्मेंस परसेंटेज, और यहाँ पर फॉर्मूला में 0 को हटाना है, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर वेरिएशन डिवाइड बाय यहाँ पर 21-22 क्योंकि इसके बेस पर हम परसेंटेज निकालना चाहते हैं, इंसर्ट फील्ड, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ओके, इसको पूरा सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर होम टैब और यहाँ पर परसेंटेज। अभी यहाँ पर जिनका सेल्स 10% या फिर 10% से ज्यादा बड़ा है उनको हमें 0.1% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देना है, यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पर नेम इंसेंटिव, फॉर्मूला को हटा देता हूँ, यहाँ पर इफ ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर परफॉर्मेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 10% कॉमा, मतलब ये 10% या फिर इससे ज्यादा है, तो यहाँ पर 22-23 का सेल्स इंटू 0.1 कॉमा अदरवाइज 0 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और ओके। अभी देखिए ये अमाउंट है और इसमें हमें परसेंटेज को डालना था जो कि हम भूल चुके हैं, तो इसको अगर एडिट करना है तो यहाँ पर इसको क्लिक करना है पिवट टेबल एनालाइज, यहाँ पर फील्ड्स कैलकुलेटेड फील्ड्स, और यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इंसेंटिव, यहाँ पर 0.1 और यहाँ पर परसेंटेज, उसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जिनका परफॉर्मेंस 10% से ज्यादा है उनको यहाँ पर सेल्स के ऊपर 0.1% आ चुका है, और जिनका 10% से कम है उनको यहाँ पर 0 है। थैंक यू एवरीवन, ये ट्रिक्स आपको कैसे लगी वो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।